नमस्कार दोस्तों, अगर पूरे रो को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस किए पूरा रो जो है सिलेक्ट हो गया। अगर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे इस कॉलम को मैं पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ नीचे तक, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की प्रेस किया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। दोस्तों इस हमको फिल्टर अगर यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो प्रेस कर देंगे, पूरा कॉलम रो सेलेक्ट हो गया। अब आप कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर दीजिए, यहाँ से फिल्टर लग गया। अगर फिल्टर हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे, पुनः फिल्टर हट जाएगा। अगर दोस्तों आपको नया कॉलम को इंसर्ट करना है तो अल्ट एच आई सी प्रेस करेंगे, एक कॉलम इंसर्ट हो गया है लेफ्ट साइड, जहाँ पे कर्सर है आपका उसके लेफ्ट साइड में एक नई कॉलम ऐड होगी। देखिए फिर से अल्ट एच आई सी, एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। अगर रो इंसर्ट करना है, जैसे 4 नंबर रो के ऊपर हमको एक रो ऐड करना है, तो अल्ट एच आई आर प्रेस करेंगे। देखिए 4 नंबर के पहले एक नया रो इंसर्ट हो गया। दोस्तों अगर देखिए ये जो फार्मूला लगा है ऑटो सम कैसे आता है, तो उसको आपको हम बताते हैं कि इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा। या तो अल्ट और प्लस प्रेस करेंगे, अल्ट और इक्वल टू, इसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिक ये ऑटो सम ले लेता है। अल्ट और प्लस, कंट्रोल जेड कर दिया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे जाइए और ऑटो सम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, ऊपर से ये पूरा ऐड होकर आ गया। या तीसरा तरीका है कि इसको आप हटा लीजिए, इक्वल टू प्रेस करिए और यहाँ से इसको जो है आप क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, सम फार्मूला, सम क्लिक करेंगे और नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको सम करना है, और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देंगे, ये आपका सम निकल गया।